अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास 10 और हमारा आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 36, जिसमें हम चैप्टर नंबर 12 के आज न्यूमेरिकल करेंगे। स्टूडेंट, फर्स्ट न्यूमेरिकल, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर फॉर्म एन इमेज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पी से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को क्यू से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर है। बिहाइंड द मिरर का मतलब क्यू की वैल्यू नेगेटिव है। व्हाट इज अ फोकल लेंथ, आपने फोकल लेंथ को बताना है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। जी स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने अभी आपको बताया, इसको हम पी से डिनोट करते हैं। इमेज डिस्टेंस क्यू है जिसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, बट इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, दैट इज वाई हमने माइनस का साइन अप्लाई किया। देन हमने मालूम क्या करना है, फोकल लेंथ। स्टूडेंट, फोकल लेंथ मालूम करने के लिए हमारे पास मिरर फार्मूला है, उसको इस्तेमाल करेंगे। 1/f = 1/p + 1/q। 1 p की वैल्यू अप्लाई की 10, 1 q की वैल्यू अप्लाई की -5। देन हमने एलसीएम लिया, यहाँ पर एलसीएम 10 और 5 का लेंगे तो 10 आएगा। देन 10 1s are 10, 1 लिख दिया यहाँ पर, 5 2s are 10, इधर 2 आ गया। देन 1 1s are 1, 2 1s are 2, इनको माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई -1। स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फोकल लेंथ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -10 सेंटीमीटर। आपने इस पूरे न्यूमेरिकल को अगर देखा हो तो दैट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। जस्ट एक चीज़ जो माइंड में रखनी है वो ये कि इमेज का जो डिस्टेंस है वो माइनस क्यू है, बिकॉज इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहा है। ये पॉइंट याद रखेंगे, बाकी बड़ा ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। मूव करते हैं 12.2 की तरफ। एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द कंकेव मिरर। ऑब्जेक्ट की साइज दिया हुआ है जिसको हम एच ओ से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ दी हुई है जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। वेयर इज इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ बनेगा, क्यू मालूम करना है। हाउ हाई इट इज, कितना बड़ा इमेज बनेगा, एच आई बताना है। सोल्यूशन देखते हैं। जी स्टूडेंट, ये सारा वो डाटा जो अभी मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्ट साइज एच ओ है 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पी से लिखा जाता है 10.5, फोकल लेंथ एफ है जो कि 16 सेंटीमीटर है, इमेज डिस्टेंस आपने बताना है क्यू, और इमेज हाइट एच आई बतानी है। 1/f = 1/p + 1/q। 1 f की वैल्यू लगा दी, 1 p की वैल्यू लगाई, 1/q क्यू मालूम करना था इसलिए इसको एज इट इज लिखा। उसके बाद हमने क्या किया, इस वैल्यू को यहाँ से उठाकर दूसरी साइड पे मूव किया तो माइनस हो गया। कैलकुलेटर पे आप 1 को डिवाइड करेंगे 16 पर, ये वैल्यू मिलेगी आपको। इसको 1 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। देन हमने इनकी सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन करने के बाद वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, क्यू को इधर शिफ्ट कर देंगे और ये वैल्यू इसके नीचे डिवीजन में आ जाएगी, तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 30.54 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, हमारी अगली रिक्वायरमेंट थी इमेज हाइट बताना, उसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे HI/HO = Q/P। हमने HI कैलकुलेट करना है, HO को यहाँ से मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे, वैल्यू लगाई क्यू की वैल्यू पीछे हमने जो फाइंड की वो माइनस आ रही थी, लेकिन जब हम इमेज हाइट निकालेंगे क्यू की वैल्यू को माइनस इस्तेमाल नहीं करेंगे। रीज़न, क्योंकि इमेज की हाइट माइनस नहीं हो सकती। एच ओ की वैल्यू अप्लाई किया, पी लगाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद स्टूडेंट, जब हमने इनको डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 87.26 सेंटीमीटर। ये तो थे आज के जस्ट 2 न्यूमेरिकल, इनकी आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगले न्यूमेरिकल के साथ हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।